हे hey गाइस आज हमारा डिस्कशन रहेगा डीएनए मार्कर्स के बारे में कि डीएनए मार्कर किसे कहते हैं को डोमिनेंट डीएनए मार्कर कौन कौन से होते हैं और डोमिनेंट डीएनए मार्कर कौन कौन से होते हैं तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएनए मार्कर किसे कहते हैं तो डीएनए मार्कर टर्म से ही अंडरस्टैंड कीजिए डीएनए मार्कर ये वो डी एन होती हैं जो डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जाती है यानी ये वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिन्होंने डीएनए को मार्क किया हुआ है ये कुछ इस तरह की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं जो एक ही जगह पर बार बार रिपीटेशन शो करती हैं सपोज़ डीएनए में कोई एक 10 टू 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए सेगमेंट है और ये 10 टू 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए सेगमेंट बार बार उस जगह पर रिपीट हो रहा है तो लगभग 20 टू 25 टाइम ये रिपीट हो रहा है तो ये जो सेगमेंट है डीएनए का यानी ये जो मार्कर है ये डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाया जा रहा है जो 20 टू 25 टाइम्स रिपीटेशन शो कर रहा है और इससे मार्क कर रहा है डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पर ये जो मार्कर्स होते हैं ये कोडिंग जीन्स नहीं होते हैं ये किसी इन मार्कर से एम नहीं बनता है प्रोटीन नहीं बनती है ये नॉन कोडिंग जीन होते हैं जो डी में ऐसे ही साइलेंट रहते हैं और जनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं मीन्स पेरेंट्स से ही ऑफ में इनका ट्रांसफ़र होता है मार्कर्स का यूज़ हम फॉरेंसिक साइंस में करते हैं और जेनेटिक डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने में करते हैं तो किस तरह से फॉरेंसिक साइंस में मार्कर्स का यूज़ करके हम स्टडी करते हैं और किस तरह से जेनेटिक डिज़ीज स्टडी की जाती है मार्कर्स का यूज़ करके वो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इन मार्कर्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे एस एस आर एस टी आर आर एफ एल पी आई एस एस आर आर ए पी डी एफ एल पी ये मार्कर्स हैं मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे ये एस एस आर या एस टी आर है ये एस एस आर एस टी आर ये मार्कर है डी एन ए में कुछ एक जगह पर ये कुछ न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस पाई जाती है जो बार बार रिपीट हो रही है एक सेगमेंट में डी एन ए के तो उस सीक्वेंस को हमने नाम दिया एस एस आर या एस टी आर या आर एफ एल पी तो इस तरह से अलग अलग नाम है मार्कर्स के अब आपने आर एफ एल पी टेक्निक भी पढ़ी होगी कि आर एफ एल पी हम एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं या ए एफ एल पी या आर ए पी डी एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो जो आर एफ एल पी टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं वो आर एफ एल पी मार्कर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है एक पर्सन और दूसरे पर्सन के आर एफ एल पी मार्कर्स को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम आर एफ़ एल पी टेक्निक का यूज़ करते हैं या आर ए पी डी इसी तरह से आर ए पी डी टेक्निक परफॉर्म की जाती है आर ए पी डी मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसी तरह से ए एफ एल पी टेक्निक परफॉर्म की जाती है ए एफ एल पी मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसी तरह से डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डी एन ए प्रोफाइलिंग मिनी सेटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं मिनी सेटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट्स भी डीएनए मार्कर्स होते हैं तो यानी डीएनए में वो सीक्वेंस जो डीएनए को मार्क कर रही है उसे हमने बोला वो डीएनए मार्कर्स होते हैं और इन डीएनए मार्कर्स की लोकेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करती है और इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग तरह की टेक्निक परफॉर्म करते हैं जैसे डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एन ए प्रोफाइलिंग आर एफ एल पी आर ए पी डी या ए एफ एल पी टेक्निक कैसे कैसे ये मार्कर इनहेरेंट होते हैं पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं उस बेसिस पर ये मार्कर दो तरह के होते हैं डोमिनेंट मार्कर या कोडोमिनेट मार्कर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से सी एस आर में बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं कि को मार्कर कौन कौन से हैं डोमिनेंट मार्कर कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आई एस एस आर आर ए पी डी या एफ एल पी ये डोमिनेंट मार्कर कहे जाते हैं या एस एस आर एस टी आर या आर एफ एल पी ये कोडोमिनेंट मार्कर कहे जाते हैं कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या होता है जैसे आप देखिए यहाँ पर इस जेल में ये शो किया गया है ये पेरेंट वन है पेरेंट वन से जब हम आर एफ एल पी को आइसोलेट किए सपोज ये आर एफ एल पी हमने आर आर एफ एल पी मतलब डी एन ए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको फ़िलहाल आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसे हम बोल रहे हैं कि वो आर एफ एल पी है तो उस उस स्पेसिफिक सेगमेंट को हमने पेरेंट वन से आइसोलेट किया यूजिंग आर एफ एल पी टेक्निक और इसी तरह से पेरेंट टू से हमने वही आर एफ एल पी आइसोलेट किया इन दोनों के आर एफ एल पीज़ को जब जेल पर रन किया तो पेरेंट वन से जो आर एफ एल पी बना वो यहाँ पर बैंड दे रहा है और पेरेंट टू से जो आर एफ एल पी मिला वो इस जगह पर बैंड दे रहा है पेरेंट वन को हम ए से डिनोट कर देते हैं पेरेंट टू को हम स्मॉल ए स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं इनका जेनेटिक अपरेंस एंड जब एफ वन एफ वन मतलब फर्स्ट प्रोजेनी फर्स्ट प्रोजेनी में जब ये आर एफ एल पी आया फर्स्ट प्रोजेनी में जब डिटेक्ट किया गया आर एफ एल पी को तो ये इन दो जगहों पर आर एफ एल पी मिला फर्स्ट प्रोजेनी में तो ये यानी को डोमिनेंट है दोनों पेरेंट से ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट वन की लोकेशन भी यहाँ पर थी जहाँ जिस पे पेरेंट वन था पेरेंट टू की लोकेशन भी इसकी यहाँ थी तो उस तरह के मार्कर जो दोनों जगह से ट्रांसफ़र हुआ है या दोनों एलील्स को एक्सप्रेस कर रहा है ये दो एलील्स हैं एक ये पेरेंट वन से आया एक एलील एक एलील पेरेंट टू से आया तो दोनों एलील्स का डिटेक्शन दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं इस केस में इसीलिए इसको बोला गया को डोमिनेंट जहाँ पर दोनों एलील्स का एक्सप्रेशन हो रहा है तो यानी आर एफ एल पी कैन बी डिटेक्टेड कैन डिटेक्ट हिट्रोजाइगॉड्स यहाँ पर एक ये है एक ये है हिट्रोजाइगॉड है अगर ए ए होता है इस तरह का ये होमोजाइगोड्स है इन होमोजाइगोड से ये हिट्रोजाइगॉड बना तो आर एफ एल पी या ये तीनों ये तीनों मार्कर्स को डोमिनेंट मार्कर हैं ये हिट्रोजाइगोड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं हिट्रोजाइगोड्स के डिटेक्ट कर सकते हैं मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के शो कर सकते हैं दोनों के एलील्स दोनों पेरेंट के एलील्स का एक्सप्रेशन इस फर्स्ट प्रोजेनी में है और सिंपल वे में आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि कोडोमिनट को मतलब बोथ यानी वो आ, वो वाले मार्कर जो दोनों पेरेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं दोनों पेरेंट से गए हैं नेक्स्ट जनरेशन में और वो डिटेक्ट भी हो रहे हैं तो ये याद करने का तरीका है को डोमिनेंट मतलब दोनों पेरेंट्स देखिए यहाँ दोनों पेरेंट्स का बैंड पेरेंट वन एंड पेरेंट टू का बैंड हमें जल में यहाँ पर मिला इसी तरह से डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं आई ए एस आर आर ए पी डी ए एफ एल पी ये डोमिनेंट मार्कर्स हैं डोमिनेंट मार्कर मतलब जैसे यहाँ पर आप देखिए एक ये होमोजाइगोट है पेरेंट वन ये होमोजाइगोट है पेरेंट टू प्रोजेनी में यहाँ पर ये हिट्रोजाइगोट बना लेकिन मतलब हिट्रोजाइगोट है लेकिन एक्सप्रेशन किसका हो रहा है सिर्फ एक पेरेंट वाले जीन का एक एलील का एक्सप्रेशन है यहाँ पर यानी जो पेरेंट वन में जहाँ जिस लोकेशन पर ये मार्कर था प्रोजेनी में भी सेम उसी लोकेशन पर ये मार्कर मिला पेरेंट टू के मार्कर की लोकेशन प्रोजेनी में नहीं डिटेक्ट हुई तो इस तरह से ये डोमिनेंट हो जाता है मार्कर ये को डामिनेंट हो जाते हैं यहाँ पर हम हिट्रोजाइगोड्स हिट्रोजाइगोड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं इस केस में हिट्रोजाइगोट यानी एलइलिक वेरिएशन डिटेक्ट नहीं होता है ये एल वेरिएशन डिटेक्ट नहीं होगा सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा तो ये इस तरह के मार्कर है जो डोमिनेंट जो एक पेरेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं और ये कोडोमिनेंट जो बोथ पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं वो हम क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट 2018 में पूछा गया था कि गिवन बिलो इज द मार्कर प्रोफाइल फॉर टू पेरेंटल लाइंस दिस इज फॉर पी1 पी1 पेरेंट के लिए ये पी2 पेरेंट है और इनके जो जनरेशन है F1 ये F1 वन प्रोजेनी है और ये यहाँ पर मार्कर्स के जेल रन करके बैंड शो किए गए हैं तो उन्होंने पूछा है कि ये जो बैंड शो किए गए हैं ये किस तरह के मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पेरेंट वन से ये बैंड्स हैं पेरेंट टू के यहाँ पर ये बैंड्स हैं और प्रोजेनी वन के बैंड देखिए किसके बैंड के साथ मैच कर रहे हैं इस बैंड के साथ एफ़ से यहाँ भी बैंड है F1 से यहाँ भी बैंड है P1 से तो सेम एग्जैक्टली मैच हो रहा है P1 के साथ एग्जैक्टली exactly इसकी मैचिंग हो रही है P1 के साथ तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पेरेंट से अगर आपको बैंड मैच करते हुए दिख रहा है तो यानी वो कौन सा मार्कर होगा वो डोमिनेंट मार्कर होगा तो ये एक तरीका है अपने दिमाग में रखने का इस चीज़ को इजिली अंडरस्टैंड करने का तो डोमिनेंट मार्कर है इस जेल से ये पता चल रहा है कि जो मार्करस यहाँ पर शो किए गए डोमिनेंट मार्कर है तो डोमिनेंट मार्कर कौन कौन सा होता है ये सारे अभी हमने देखे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है डोमिनेंट तो आर एफ एल पी एंड एस एस मार्कर है एस एस आर को है एस एस आर को है ठीक है तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आर ए पी डी आर ए पी डी इज द ओनली वन जो कि डोमिनेंट मार्कर है इन सभी ऑप्शंस में से तो इसका आंसर हो जाएगा फोर तो इस तरह से जेल की इमेज देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब जैसे अगर मैं यहीं पर सेम एफ टू प्रोजेनी बना देती हूँ जिसमें हम दिखा देते हैं कि को डोमिनेंट का क्या एग्जाम्पल होगा को डामेंट का किस तरह से एग्जाम्पल बनेगा तो जैसे पी वन पी वन का बैंड यहाँ ठीक है P2 ये एक बैंड यहाँ और एक बैंड यहाँ तो अब इस बैंडिंग पैटर्न को आप देखिए P1 यानी पेरेंट वन का एक ये बैंड है पेरेंट टू का ये बैंड है तो दोनों के बैंड मिलकर एक बैंड ये यह यहाँ पे बन रहा है पेरेंट टू वन का बैंड ये यह यहाँ है तो पेरेंट वन का बैंड यहाँ पर भी है डिस्टिंग्विश क्या कर रहा है इसको डोमिनेंट ये हम इसको डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं एफ वन को और एफ टू को डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड बैंड आ रहा है ये यहाँ से भी आ रहा है तो यानी इसमें तीन बैंडिंग पैटर्न मिले और ये तीनों बैंडिंग पैटर्न मैच हो रहे हैं पेरेंट वन एंड पैरेंट टू के टोटल बैंड्स के साथ एक बैंड ये यहाँ से बना एक बैंड ये यहाँ से बना और एक बैंड ये यहाँ से बना तीनों बैंड पैटर्न यहाँ मैच हो रहे तीन बैंड्स बन रहे हैं तो ये को डोमिनेंट हो गया और यहाँ पर दो ही बैंड्स बन रहे थे पेरेंट वन के एग्जैक्टली सेम ये पेरेंट वन का यहाँ था इसका पैरेंट यहाँ था इसका पेरेंट वन यह, का यहाँ था तो इसका यहाँ था इस बैंड की कमी थी इसमें तो एक पेरेंट से मैच हो रहे थे बैंडिंग पैटर्न तो ये डोमिनेंट मार्कर होता तो इस तरह से क्वेश्चंस बन के आते हैं आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और गाइज आप मुझे अनएकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं अनएकेडमी पर मैं आरती रानी नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं वहाँ पर मैं कोई स्पेशल क्लास लेती हूँ या कोई यूट्यूब सेशन लाइव लेती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो अनकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू